शांति। मुरलीधर बाप के मास्टर मुरलीधर, आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी हम सब के बीच में विराजमान हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका लौकिक जन्म उत्तर प्रदेश की धरनी के पास कानपुर के पास स्थित एक गांव में हुआ और बहुत बड़ा आपका सौभाग्य रहा। बाल्यकाल से ही अलौकिक वातावरण मिला, क्योंकि जब आप छोटे थे उसी समय से आपके घर में ईश्वरीय गतिविधियां आरंभ हो गई थी। तो उस अलौकिक वातावरण में पले बड़े, पढ़ाई की और 71 में पहली बार मधुबन धरनी पर कदम रखा और मधुबन धरनी का अमिट छाप तो सबके दिलों दिमाग पर पड़ता ही है। और इसलिए जब अगले वर्ष 1972 में दोबारा आए तो परमिशन लेटर लेकर आए समर्पित होकर रहने के लिए। तो 1972 से आज 2022 50 वर्षों की समर्पित जीवन की यात्रा आपकी पूरी है। आपकी गोल्डन जुबली की आपको बहुत बहुत बधाई है। और इन 50 वर्षों में बहुत कुछ सेवाएं की है आपने। 1976 में आपको विशेष ऑफर मिला एक विशेष सेवा का, और वो विशेष सेवा जो मुरलियाँ सिंधी में हुआ करती थी उसे हिंदी में करना, और फिर सभी सेवा केंद्रों को पोस्ट करने की जो सेवा है उसमें अपना सहयोग देना। और आज दिन तक उस सेवा में आप अपना सहयोग देते आ रहे हैं और सभी को वो पढ़ने वाली मुरली कागज़ पर मिलती है, जो मोबाइल पर पढ़ने में भी इतना सुख नहीं मिलता है जो कागज़ में पढ़कर सुख मिलता है, वो अंदर तक उतरती है। और उसके बाद तो आपने पत्र पुष्प भी कंपोज करना आरंभ किया। बाबा की जो अव्यक्त मुरलियाँ होती है उसमें भी विशेष वर्ग के प्रति बाबा ने क्या संबोधित किया है उसके भी छोटे छोटे संकलन करके छोटी छोटी पुस्तिकाएं तैयार की है, जिससे हम ब्राह्मणों को बहुत सारा पुरुषार्थ करने में बहुत मदद मिलती है। और इसके साथ साथ सारा ही दिन जिनकी उंगलियां मुरलीधर की मुरलियां टाइप करने के लिए कीबोर्ड पर नृत्य करती हो तो क्या मन मस्तिष्क पर नहीं छपेगी वो? तो वो मन मस्तिष्क पे जो मुरलियां छप चुकी है, जो दिव्य बुद्धि बाबा ने प्रदान की है, उसके आधार से हमने देखा कि कैसे अमूल्य रतन करके एक टॉक शो अव्यक्त मुरलियों पर भी आपने किया, जिसके लगातार 1000 एपिसोड्स आपने पूरे किए हैं। और अपनी इसी विशेषता को लेकर आप पूरे भारत भर में भटियाँ कराने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। थोड़ी सी मार्जिन मिलती नहीं मधुबन के प्रोग्राम के बीच में से भटियाँ करने निकल जाते हैं। और साथ साथ हमारा जो ग्रामीण विकास प्रभाग है उसके आप वाइस चेयरपर्सन हैं, जिसके अंतर्गत शाश्वत यौगिक खेती का एक नया कंसेप्ट सबके सामने आया है। उस संबंध में भी जन जागृति लाने के लिए आप पूरे भारत भर में अनेक प्रकार के किसान सम्मेलन आदि करने के लिए जाते रहते हैं, काफ़ी व्यस्त रहते हैं, काफ़ी प्रतिभाओं से संपन्न हैं। आज भी हम अपना अमूल्य समय निकाल कर आए हैं। कई बार हम आपसे पूछते कहते यही टाइम है, ये टाइम पे देना है तो दो, नहीं तो नहीं दो।
क्योंकि फिर मुझे आगे दूसरा काम है. तो अमूल्य समय निकाल कर आए हैं हमें बहुत सुंदर मार्गदर्शन देने के लिए. स्वपसंद, प्रभु पसंद और परिवार पसंद बनने का सर्टिफिकेट हम कैसे प्राप्त करें, सुनते हैं भ्राता जी को. आदरणीय भ्राता जी. ओम शांति. हम सभी बाबा को तो पसंद आ गए हैं ना. बाबा ने अपना बच्चा बना लिया. इतना प्यार, इतनी पालना, इतनी ऊंची पढ़ाई, ऐसी श्रेष्ठ मत बाबा ने हम बच्चों को दी. पसंद किया, बच्चा बनाया, इतना श्रेष्ठ भाग्य बना दिया. तो प्रभु पसंद तो हरेक है ही. वो सर्टिफिकेट तो बाबा ने अपने बच्चों को दिया है. दिया है ना, सबको मिला है. बाबा को तो पसंद आ गए. अब परिवार को पसंद आ जाए और सबसे बड़ी बात है हम सौ को भी पसंद हों. क्योंकि कभी भी किसी से पूछा जाए आप कैसे हो, कहेंगे हम तो बिल्कुल ठीक हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं. और बाबा कभी कभी कहते हैं मेरे बच्चे कभी कभी बहुत मियाँ मिट्ठू बनते हैं, अपनी बड़ाई अपने आप करने लगते हैं. तो हम सबको एक बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है और उस चेकिंग के आधार से अपने आप को खुद ही नंबर देना है कि सचमुच मैं स्वपसंद जैसा बाबा चाहता वैसा पुरुषार्थ कर रहा हूँ. मनमौजी तो नहीं हूँ. कई मनमौजी होते हैं, मन की बातें बहुत मानते हैं और उसी अनुसार कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ. वास्तव में एक अच्छा स्वमान भी है ये. बार बार भी कमी कमजोरी संस्कार अगर कोई देखता है तो क्या होता है, दिल शिकस्त हो जाता है, छोटी दिल हो जाती है. इसलिए विशेषताओं को देखना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कमियां अंदर ही अंदर हमें परेशान करें, बढ़ती जाएं. उन्हें निकालने के लिए हमें बहुत अटेंशन देने की बात है. इसलिए जब स्वपसंद के सर्टिफिकेट की बात बाबा ने कही, परसों की मुरली संडे की जो चली थी उसी में ही था, मेरा इस पर चिंतन चला. क्या मैं अपने आप से, अपने पुरुषार्थ से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ, जैसा बाबा चाहते हैं ऐसा ही मेरी ये प्रैक्टिकल जीवन बनी है. स्वपसंद तो हम तभी कहेंगे जब जो बाबा ने श्रीमत मर्यादाएं नियम हम सब की उन्नति के लिए बताए हैं, उन्हीं प्रमाण अगर हमारी जीवन है तो हम कहेंगे हमने ये सर्टिफिकेट लिया है. तो सबसे पहले मैं तीन चार बातें स्वपसंद के लिए चेकिंग की बताता हूँ. चेक करना सभी. बाबा भी हम बच्चों को अपने समान उड़ता पंछी बनाना चाहते हैं, चलने दौड़ने जंप लगाने वाले नहीं. मुरलियाँ ऐसी भी चली, बच्चे फास्ट स्पीड करो, हाई जंप दो, लेकिन अभी समय अनुसार फास्ट गति को देखते हुए, समय की तीव्रता को देखते हुए हम सब का पुरुषार्थ उड़ती कला का होना चाहिए. और उड़ती कला के पुरुषार्थ के लिए आप कहेंगे उड़ती कला है क्या, जो नए हैं उनको तो ये शब्द थोड़े ऐसे लगेंगे. जैसे आप सभी अगर फ्लाइट से उड़ के आए हैं तो कई चीज़ें जो चलने में गाड़ियों में बार बार रुकावटें आती हैं, फ्लाइट से उड़ने वालों के लिए वो रुकावटें कोई मायने नहीं रखती. यहाँ से उड़े वहाँ उतर गए जा कर के, चाहे कितने भी बड़े नाले नदियाँ पहाड़
कुछ भी हो उसको सहज क्रॉस करके आ जाते हैं। ऐसे ही समय प्रमाण कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, परिस्थितियाँ, समस्याएँ, हिसाब किताब, बहुत कुछ परीक्षाएँ आ रही हैं। उसके बीच में उन परीक्षाओं को हम बहुत सहज रीति से पार कर सकें, जंप दे सकें, ऊपर से निकल जाएं, वो सब बातें नीचे रह जाएं। इसलिए बाबा कहता है अभी उड़ती कला का प्रसारण चाहिए, और उड़ने के लिए सबसे पहली चेकिंग यही है, क्या इतने हम हल्के हैं, लाइट हैं। अगर किसी भी प्रकार का बोझ है तो बोझ वाली आत्मा उड़ती कला का अनुभव नहीं कर पाती है। तो मैं समझता हूँ जब आप सभी इतनी रुचि से, इतने एकांत में मधुबन की भट्टी में आए हैं, तो अपने आप को बहुत महीनता से, गहराई से चेक किया होगा। कोई ऐसा बोझ तो नहीं है जो बुद्धि को भारी कर दे। और जो भारी बुद्धि वाले होते हैं, जिनके ऊपर बहुत बोझ होते हैं, वो तो आप सब जानते हो, बोझ वाला चल भी नहीं सकता है, फास्ट भी नहीं उड़ जा सकता है। तो बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ, वर्तमान समय कई प्रकार की जवाबदारियां हैं, लौकिक की भी हैं, अलौकिक की भी हैं, कई प्रकार के हिसाब किताब हैं, और उनको हम चुकतू करने में लग जाते हैं तो समझते हैं बहुत बड़ा बोझ है, इसको कैसे हल्का करें। बाबा इस समय एक बात हम बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चे जो तुम्हारे बोझ हैं अब मुझे अर्पित करो, दे दो, हल्के हो जाओ। जब तक कोई ने अपनी बुद्धि से सब कुछ बाबा के आगे समर्पित नहीं किया है, तब तक वो डबल लाइट नहीं बन सकता। अभी मैं कुछ दिन पहले क्लास करा रहा था, ऑनलाइन था अमेरिका में, तो वहाँ से बहनों ने मेरे से एक प्रश्न पूछ दिया कि बाबा तो कहता है बच्चे मौज की जीवन है, बेफिक्र बादशाह की जीवन है, लेकिन कई ऐसी बातें आती हैं जो मौज का अनुभव नहीं कराती, मुझा देती हैं, उलझा देती हैं, क्योंकि कलयुग की परिस्थितियाँ तो आप सब जानते हो बढ़ती जाती हैं, और उन परिस्थितियों की अगर हम परवाह करते हैं, चिंतन कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है बहुत भारी बात है, बहुत ऊंची बात है। इसलिए मैंने एक ही शब्द में कहा, जब बाबा कहता है बच्चे एक ही शब्द का परिवर्तन करो, मैं को ते में परिवर्तन करो, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, तो क्या आपने इतना बाबा को सच्चे दिल से कभी ये कहा है बाबा ये सब तेरा है? कह के तो देखो, बाबा कहता कह के तो देखो मैं करता हूँ या नहीं, लेकिन सच्चाई बहुत चाहिए, सच्चे दिल से बाबा ये आपका काम है। भले हमने कई हिसाब किताब बनाए हैं तो हमारे कर्मों का ही फल, और जब कर्मों का फल है तो हमारे सामने ही आएगा, लेकिन बाबा के सामने जब हम समर्पित करते हैं तो वो बात जो बहुत बड़ी बात है, सूली जैसी बात है, वो बहुत छोटी कांटे जैसी आती है और पार हो जाती है। कईयों का ये अनुभव है कि है बड़ी बड़ी बातें किया है तो सामने तो आएंगी, लेकिन वो एक भोगना के रूप में ना आए, वो ऐसी मुझाने वाली बातें ना आए जो हमारी खुशी को गायब करें, हमारी स्थिति को डगमग कर दें। तो हम सब पहले ये चेक करें और अपने जो बोझ हैं बाबा को अर्पित करके बहुत हल्के डबल लाइट बन जाए। बाबा आपने जैसे आप हो ऐसे मुझे बनना है, इसलिए जो जवाबदारियां हैं बाबा, भले हमारे कर्मों का ही फल है, लेकिन अभी आप मिल गए हो, आप सर्व समर्थ हो, सर्वशक्तिमान हो, मैं आपको ये सब अर्पित करता, बुद्धि से, सच्चे दिल से, समझ से, ऊपर ऊपर से नहीं कहना, ऊपर वाली बात सुनता नहीं बाबा, लेकिन सच्चे दिल से अगर कहा है, मैं समझता हूँ आप सब इसके अनुभवी होंगे, और कई माताओं के अनुभव मैं सुनता हूँ, बहुत बाबा तो भोलानाथ है ना, भोलों का नाथ है, भोलानाथ खुद नहीं है, भोलों का नाथ है, जो बड़े सच्चे हैं, भोले हैं, बड़े प्यार से बाबा को कहते हैं बाबा ये कर देंगे, ये कर दो, ये काम आप कर दो,
और बाबा उनका काम कर देता है, कहीं से भी करवा देता है। यहाँ एक गांव है थोड़ी दूर गुजरात में, तो एक बार मुझे समाचार मिला कि आधा पौना घंटे पर ही है वहाँ, ठंडियों के दिनों में, बहुत ठंडी थी उस समय, और एक मंदिर के अंदर, माना सेंटर नहीं है, मंदिर के अंदर 70 लोग अमृत वेले का योग करते हैं, और सब 4 बजे उठ करके वहाँ हाजिर होते हैं, जनवरी महीने के डायरेक्शन अनुसार कि अमृत वेले का संगठित योग करो। तो जब मुझे समाचार मिला तो मैंने ऐसे ही कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई को हीटर चाहिए, कोई को ये साधन चाहिए, ये साधन चाहिए, नहीं तो सोचते हैं रजाई के अंदर ही बैठ के योग कर लें, इतनी ठंडी पड़ रही है। और ये बेचारे गांव के लोग हैं जिनके पैरों में कभी जुराब भी नहीं पहनी है, कोई के चप्पल देखो तो टूटे फूटे हैं, चप्पल तक भी नहीं होते, कोई कोई गोदरी ऐसे ले करके आ जाते हैं, और ये कैसे योग करते हैं मंदिर में, वो भी खुली दीवार ही है सिर्फ और कुछ नहीं है। तो मैंने कहा मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं एक बार मिलने गया उनसे, तो सबको बुलाया शाम के समय, इकट्ठा किया, उन्होंने कहा आप लोग अमृत वेले उठते हो सब? कहते हाँ हम सब करते हैं, सब उठते हैं। मैं कुछ मिला होगा तब तो कोई प्राप्ति होती होगी, क्या मिला है आपको जो इतना ठंडी के अंदर रोज़ उठ करके 4 बजे सब इकट्ठे होके योग करते हो? तो एक बूढ़ा दादा बैठा था, करीब 80 साल का होगा, बहुत बुजुर्ग था, वो कहता है भाई जी मैं सब सवेरे सवेरे यहाँ आता हूँ ना तो बाबा मेरे से बातें करता है। हमने कैसे करता बातें? बोला बाबा की मूछें हिलती हैं और बाबा अपने पाँव भी ऐसे पलटता है, बड़े भोलेपन से, बहुत सच्चे दिल से, कि बाबा ऐसे लगता है कि जैसे वतन से मेरे बीच में आ गया है, मेरे से मिलने आया है, तो मेरे तो एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं होता है, मैं तो भाग भाग करके सबसे पहले आके बैठता हूँ। अच्छे अनुभव बाबा करा रहा था उसको, और बाबा से उसकी सन्मुख रू रियान होती है, बातें होती हैं, शक्ति मिलती है। तुमने कहा देखो भोलों का भगवान है, कई तो ऐसे ही आकर के चले जाते हैं, कुछ नहीं अनुभव कर पाते। फिर माताओं की तरफ हमारी नज़र गई, माताएं तुम्हारा अनुभव क्या है? तो सब गुजराती थी, तो एक माता खड़ी हो गई, बोलने लगी भाई जी एक अनुभव सुनाती हूँ मैं, मेरे पति जो है ना इसको मानते नहीं हैं, सवेरे सवेरे योग करना, ये करना, वैसे सहयोगी हैं लेकिन हमारे को इस योग के लिए हमेशा बंधन डालते थे, तो उन्होंने मेरी ड्यूटी खेती पर लगा दी कि तुम्हारे को योग ही करना है तो खेती पर जाके योग करो जा करके, लेकिन पहरा दो, पहरा दो, और जो भी जानवर खुले छूटते हैं इधर उधर से खेती को नुकसान पहुंचाते हैं उसके लिए तुमको रात भर जागना है और योग करना जाके, सेंटर पर यहाँ नहीं जाना। तो कहती है मैंने कहा बाबा के घर से मधुबन से डायरेक्शन आया है संगठन में बैठ के योग करना है, अमृत वेले योग करना है, रात का समय ठीक नहीं होता योग के लिए, और ये मेरे को रोज़ यही ड्यूटी लगा देता है। तो मैं एक दिन बाबा के पास बैठ के बहुत झगड़ा किया, बहुत प्यार से बोली, मैं बाबा से बहुत झगड़ गई, और मैंने बाबा को बोला बाबा हमको तो अमृत वेला करना है और ये मेरे को रोज़ 8-9 बजे कहता है तुम खेत पर ड्यूटी दो, वहीं योग करो जाके। तो ऐसे बहुत बाबा को सुना करके मैं गई, तो जाना तो पड़ा, नहीं तो मारपीट घर में झगड़ा हो जाएगा। तो जब मैं खेत पर गई तो ऊपर से पहले चमकती हुई लाइट आई, शिव बाबा की किरणें आई, और फिर ब्रह्मा बाबा ऐसे हाथ बांध के खड़े थे सामने ऊपर ही लाइट में ऐसे, और कहते हैं बच्ची तुम क्यों आई खेत पर, मैं तेरे खेत का पहरा दूंगा, तुम सो जा जाके, तुम अमृत वेला करना सवेरे सवेरे और पहरा मैं दूंगा, कोई नुकसान नहीं होगा। कहते आवाज़ आई मेरे को बिल्कुल सुनाई दिया, और मैं देखा जब बाबा मेरे खेत पर पहरा देने आ गया तो मुझे पहरा देने क्या ज़रूरत, मैं जाके सो गई। और मैं रोज़ अमृत वेले आती हूँ, मेरे खेत पर बाबा पहरा देता है। अच्छा तुमने सर्वेंट बनाया बाबा को। इस सच्चे दिल पर साहेब राजी, आप सच्चे दिल से बाबा कह के तो दे, ऊपर ऊपर से बुद्धि से दिमाग से वो निराकार है, परम धाम में रहता है, ऐसा है वैसा है,
बातें करते रहते हैं, अनुभव कुछ नहीं कर पाते हैं। और जो सच्चे हैं उनको भगवान बहुत प्यारा लगता है, प्रभु पसंद वही हैं। ऐसे पसंद करता है जो उसके हर काम कर लेता है, कोई रोटी बनवा लेता है उसे, कोई खाना बनवा लेता। हमने कहा क्या अच्छा, बाबा को इस समय हम सब ने बहुत यूज किया है, अच्छी तरह से यूज किया है और करना भी चाहिए। बाबा आया है, मिला है, तो बाबा को बहुत प्यार से, दिल से, जो बच्चे कहते हैं बाबा ये करना है वो बाबा कर लेता, अपने आप कर लेता है। और जो बुद्धि चलाते रहते रहे वो कैसे करेगा, कुछ तो साकार में कोई तो चाहिए ना, तो वो साकार की इंतज़ार करते रहते हैं और बाबा मुस्कराता रहता है कि उसे करवा लो जा करके। तो आप सब बाबा के सच्चे बच्चे, भोले अंदर से सच्चे, वो बोले नहीं बुद्धि वाले। बाबा तो कहता मैं बच्चों को इतनी बुद्धि देता हूँ जो त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री बना देता हूँ। बुद्धि तो बहुत विशाल देता हूँ, लेकिन वो देहमान वाली बुद्धि नहीं, मैं वाली बुद्धि नहीं, उसको समर्पित करो। तो सभी अपने आप से पूछना, क्या सच्चे दिल से बाबा को मैंने पसंद किया है या बाबा ने मुझे पसंद किया है? और अगर पसंद किया है तो कोई बोझ तो लेकर के मैं नहीं चल रहा हूँ। स्वपसंद तभी बन सकेंगे जब संगम युग पर इस मौजों की जीवन का अनुभव। फिर भी मूझ रहे हैं, भगवान मिल गया फिर भी मेहनत कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, माना क्या है? स्वपसंद है, जैसा बाबा चाहता है मेरे बच्चे बिल्कुल मौज में रहें, बेफिक्र बासा रहें, कोई भी गम, कोई भी चिंता इनके चेहरे पर न दिखाई दे, कभी भी युद्ध नहीं करें, मेहनत नहीं करें, मुश्किल का अनुभव नहीं करें, कोई बात के लिए असंभव नहीं माने, तब तो कहेंगे सचमुच संगम युग पर इन आत्माओं ने भगवान को पाया है, वो मिला है हमको और उसका हम पूरा लाभ ले रहे हैं। इसलिए आप सब चेक करना कि सचमुच बाबा को जिस रूप में वो है, कहता है मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे तो कोटों में कोई में भी कोई पहचान पाता है। हमने तो ऐसे पूछेंगे तो हमने कहे हमने सबने पहचाना है, अच्छी तरह से पहचाना है, लेकिन पहचान में नंबर वार तो है। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाबा को आपने देखा, कितनी परीक्षाएं आई, सारी हिस्ट्री पढ़ लो बाबा की, सारी परीक्षाओं में ही बीती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेकिन बाबा ने सब परीक्षाओं को बिल्कुल ऐसे पार किया जैसे कुछ नहीं, नथिंग न्यू। शिव बाबा का साथ है, उसका हाथ है, उसके बच्चे हैं, उसका यज्ञ है, इस निश्चय के आधार से बाबा निश्चिंत स्थिति में रहे। जब भंडारे में कुछ नहीं है, खाने के लिए लोग बिल्कुल कुछ नहीं है और भंडारी सामने आके खड़ी है, बाबा आज क्या बनेगा, 350-400 लोग खाने वाले हैं, भंडारे में चार आना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बाबा तो बेफिक्र बासा, बेगमपुर का बासा, अच्छा बच्चे 10 बजे आना, फिर बाबा बताएगा। अब 10 बजे कहाँ से आ जाएगा, 10 बजे पोस्ट आती थी और उस पोस्ट में कहीं ना कहीं से लिफाफा जाता था, उसके अंदर कैश कई होता था, कभी मनी ऑर्डर होता था, कभी कुछ होता था। एक दिन भी बाबा के बच्चे भूखे नहीं रहे, कहीं ना कहीं से टच करके बाबा ने किसी न किसी का सफल कराया। शिव बाबा कराता था और ब्रह्मा बाबा तो मौज करता था बीच में। बच्चे उसके, उसका निश्चय ये है कि बच्चे उसके हैं, लोग कितनी भी परीक्षाएं कर ले आए, परीक्षाएं तो बहुत आई ना, ऐसे थोड़ी आ गए, जब आए तब तो इतने मौज से आए कि 14 साल तक तो कहते थे वो मंडली वाले पिस्ता बादाम खाते हैं, अब पिस्ता बादाम खाने वाले यहाँ जब आए तो दवाई की गोली भी नहीं मिली, रोटी भी नहीं, और बाबा से वतन से पूछ रहे हैं तो बाबा भी बड़े रमणीकता से कहता है बच्चों को छाछ और ढोडा पिलाओ खिलाओ, अब बुखार में, सर्दी में, ठंडी में, आबू की ठंडी में किसी को खा जाए तुमको छाछ पिलाई जाएगी 15 दिन तक, वो तो भाग जाएगा जिन, हम ठीक है हम अपने घर जाते हैं, हम कमा लेंगे जा करके, कितने लोग भाग गए इससे तो। लेकिन जो पक्के थे कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति आए, मैं तो तेरा दर नहीं छोड़ूंगी, देखो आज कहाँ पहुँचा दिया यज्ञ को, निश्चय था ना। और बाबा अगर वो परीक्षा इनकी नहीं लेता तो शायद भारत का कल्याण ही नहीं होता, विश्व का कल्याण तो बाद की बात है,
ये सेवा केंद्र ही नहीं खुलते, सेंटर ही नहीं होते, क्योंकि परीक्षा ली, बहनों को कहा, अरे तुम्हारे को मैंने इतना धन दिया है, ज्ञान का, गुणों का, चरित्र का, शक्तियों का, सब कुछ तुम्हारे पास है, वो स्थूल धन के पीछे क्यों भागना, वो अपने आप आ जाएगा, जाओ इसका दान करो। और धन दान किया, ज्ञान धन बांटा, लुटाया और सब कुछ आ गया। लेकिन उसके लिए बहुत सहन किया, तपस्या की, त्याग किया, और उसके आधार से बाबा में संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण निश्चय कि भगवान का कार्य है, उसकी लीला चल रही है, इस आधार से वो बिल्कुल निश्चिंत स्थिति में रहे। तो हम जब स्वपसंद कहते हैं तो हम अपने आप से पूछें, क्या सचमुच इतनी निश्चिंत स्थिति है, बेफिक्र स्थिति है, कुछ भी हो जाए, जब भगवान मिल गया है, वो हमारे साथ है, वो हमारा गाइड है, हमारा मार्गदर्शक है। और कल कह रहा था कि जो ड्रामा बनाया है वो क्रिएटर को पसंद है, तो आप बच्चे उसमें क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, क्यों क्वेश्चन उठता है, जब डायरेक्टर उसका वो है, बनाने वाला वो है, तो आपके अंदर ये हलचल क्यों आती है, ऐसा कैसे होगा, ये कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए ड्रामा, ये ठीक नहीं है। बाबा तो तुम करेक्शन करने वाले कौन हो। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे अगर स्वपसंद का सर्टिफिकेट सिर्फ ले लें, बाकी सब मिल जाएगा। स्वपसंद में चार बातें मैं कह रहा था। एक, मैं डबल लाइट स्थिति में कहाँ तक हूँ। डबल लाइट स्थिति की परिभाषा बता दी, बेफिक्र स्थिति है, निश्चिंत स्थिति है, मौजों की स्थिति है, मेहनत मुक्त स्थिति है, कोई बोझ नहीं है। अब इससे सूक्ष्म है बंधन, बोझ से भी बंधन बड़े कड़े हैं। हर आत्मा कहीं ना कहीं बंधी हुई है। ऐसे पूछो कहेंगे कोई बंधन नहीं, मैं तो स्वतंत्र हूँ। आप कभी अपने बंधनों को चेक किया है, बड़े सूक्ष्म बंधन हैं, रस्सियाँ हैं। बाबा कहते हैं लोहे की मोटी मोटी जंजीरें तो लोगों ने काट दी, और सोने की हीरे की जंजीरों में बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। नाम मान शान विशेषताएं, मेरी सेवा तेरी सेवा, मेरा सेंटर तेरा सेंटर, मेरी एरिया तेरी एरिया, क्या बना के बैठे, सोने की हीरे की जंजीरें बांध के बैठ गए, मेरा मेरा करके। चेक करने की जरूरत है, बहुत गहराई से चेक करना है। अगर मैं 100% का सर्टिफिकेट ले रहा हूँ तो कोई भी बंधन मुझे आत्मा को बांध नहीं सकता। चार प्रकार के बंधनों को आप सब चेक करना। एक है हमने संकल्पों का बहुत बड़ा बंधन, मन का बंधन। क्या करूं, मैं चाहता तो हूं लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं देता, मेरे संबंध साथ नहीं देते, मुझे टीचर भी साथ नहीं देती, मुझे चांस ही नहीं मिलता। कई प्रकार के अंदर अंदर कमजोर संकल्प मन को बांधे हुए हैं, उड़ने नहीं देते। व्यर्थ संकल्प हैं, विकल्प हैं, नेगेटिव संकल्प हैं, उनका बंधन तो है ही, लेकिन कई ऐसी आदतें हैं उनके बंधन में आत्मा बंधी हुई है। तो हम सब पहले अपने सूक्ष्म संकल्पों के, मन के बंधनों को देखें, जो हमारी उन्नति में सहायक चीज़ें हैं, मददगार हैं। हमें अमृत बेला उठना है, मुरली क्लास करना है, ऐसा बंधन नहीं माना जो आज बाबा ने कट किया है। कितना प्यार से कहा, अरे बच्चे कोई योग कराए, उससे प्यार, योग कराने के लिए कोई टीचर चाहिए तुमको, योग कराने के लिए लाल लाइट चाहिए, योग कराने के लिए माइक चाहिए, योग कराने के लिए अच्छे गीत चाहिए, क्या बंधन बांध के रखा है, किस लिए? हार्ट फेल होने लगे, अटैक हो जाए तो कोई योग कराने आएगा क्या? अरे बाबा को प्यार से याद करो ना, याद के लिए साधनों की क्या जरूरत है, साधना है, अंदर का प्यार है। और प्यार में कोई बच्चा अपने बाप को याद करने के लिए कोई साधन अपनाता है क्या? दिल का सौदा है। लेकिन हम सब देखें कि ये स्थूल बंधन तो ठीक हैं, लेकिन कोई भी ऐसा संस्कारों का, स्वभाव का, आदतों का बंधन बांधे हुए तो नहीं है। फिर दूसरा बंधन, इस शरीर का बंधन सबसे बड़ा बंधन है। आत्मा इसके अंदर जितनी बंध गई है जो छूट ही नहीं सकती। अब इसके लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा।
आत्मा समझ करके मुझे याद करो. कितना समय याद रहता है आत्मा हूँ आत्मा हूँ. पक्का करो इसको, अभ्यास करो. क्योंकि जब तक आत्मिक स्थिति नहीं बनी है तब तक देह अभिमान समाप्त नहीं होगा. और देह अभिमान को हमने समाप्त नहीं कर पाया तो ये कर्म इंद्रियाँ कभी भी कंट्रोल में नहीं आएंगी, उत्तेजित होती रहेंगी. कभी आवेग आएगा, कभी आवेश आएगा. कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कर्म इंद्रिय धोखा देगी, परेशान करेगी, अवज्ञाएं कराएगी, श्रीमत का उल्लंघन हो जाएगा. हम स्वपसंद नहीं रह सकते. जो हम चाहते हैं, जैसा बाबा चाहता है, ऐसा हम नहीं कर सकेंगे. इसलिए सभी बहुत महीनता से चेक करना, क्या मैंने अपनी अशरीरी स्थिति ऐसी बनाई है. बैठो और शरीर से अलग हो जाओ. मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, ये अलग है, मैं अलग हूँ. ये योग की बहुत गहरी स्टेज है और इसका ही अनुभव करने के लिए हम आए हैं. बैठ जाओ ऐसे, कोई संकल्प नहीं इधर उधर का करना. मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा, एक लाइट माइट संपन्न आत्मा इस शरीर की भ्रकुटी में विराजमान हूँ. मैं अलग हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ और ये शरीर अलग है. अशरीरी बनने का जितना अच्छा अभ्यास होगा उतना देह अभिमान का बंधन कटता जाएगा. अब इस बंधन को काटो. जब तक ये कटेगा नहीं तब तक कर्मातीत स्थिति बनेगी नहीं, संपन्नता आएगी नहीं. और इसके लिए हमें बहुत गुप्त पुरुषार्थ करना, दिखावे वाला नहीं. बैठ गए ऐसे योग में, भटक रही बुद्धि इधर से उधर, हम घंटों बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं. बाबा कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है. आप कार्य कर रहे हो, व्यवहार में आ रहे हो, बातचीत कर रहे हो, समय मिला एक सेकंड में परमधाम की यात्रा में चले गए. याद करो मेरा घर क्या कहाँ है, मेरा बाबा कहाँ है. बस संकल्प आए और बुद्धि यहाँ से, इस शरीर से, शरीर के इस जगत से, दुनिया से ऊपर चली जाए. अभ्यास चाहिए. इसको कहते हैं अशरीरी बनने का अभ्यास. तब ये देह का बंधन खत्म हो जाएगा. और देह के बंधन के साथ साथ फिर संबंधों का बंधन खींच रहे हैं लोगों को. हम समझते हैं मेरे संबंधी हैं, मिले थे सेवा के साथी, लेकिन वो संबंधों ने क्या किया, बंधन बना दिया. संबंध तो सुख देने के लिए होते हैं ना. आज सतयुग में भी संबंध थे, माँ बाप थे, भाई बहने थे, सब परिवार थे, लेकिन वो बंधन नहीं थे, वो संबंध थे. एक दूसरे को साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए संबंध जरूरी हैं. और संबंध के बिना सृष्टि पर हम रह भी नहीं सकते हैं. संबंध, माँ के साथ हमारा बच्चे का संबंध पहला हो गया. माँ बाप मिले, भाई मिले, बहनें मिली, परिवार मिले, इसके बिना कोई कहे नहीं नहीं मैं सृष्टि पर आया हूँ, मैं तो ये असार संसार है, मेरा कोई से संबंध नहीं. संबंध के बिना तो जीवन ही नहीं चल सकती है. लेकिन वो संबंध चलते चलते जो बंधन बन गए हैं, उन बंधनों को काटना है बुद्धि बल से. कोई मेरा नहीं है, मैं भी किसी का नहीं हूँ. जितना न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस बना करके चलोगे उतना संबंधों के बंधन से मुक्त होते जाएंगे. ब्रह्मा बाबा के इतने संबंध, दादियों के साथ इतने संबंध, इतने सब बाबा के बच्चे, सब कह रहे मेरी दादी, सब कह रहे मेरा बाबा, मेरेपन का इतना प्यार है, इतनी फीलिंग है, अपनत्व तो है. एक दूसरे के दुख सुख में साथी हैं. कोई बीमार पड़ जाए, कोई तकलीफ हो जाए तो खड़े हैं, मदद कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, लेकिन किसी के बंधन में फंसे हुए नहीं हैं. तो संबंध निभाओ, मना थोड़ी किया बाबा ने, लेकिन संबंध बंधन न बन जाए इस पर बहुत अटेंशन देना. वो मेरे बिना न रह सके, मैं उसके बिना न रह सकूं. किसी देहधारी की याद सताती रहे, किसी की विशेषताएं याद आती रहें, किसी का सहयोग याद आता रहे, ये होता बहुत अच्छा होता. कहीं तो जब शरीर के छोड़ के जाते हैं, कोई कोई सालों उसके पीछे याद करते रहते, दुखी होते रहे, परेशान होते रहते. और आजकल तो ये बहुत बड़ी लीला चल रही है, देख रहे हो आप सब. बहुत निकट के जो होते हैं, बहुत प्रिय जो होते हैं, अचानक चले जाते हैं तो उसके बाद बहुत बुरा हाल हो जाता है लोगों का. और उसका कारण है सूक्ष्म मोह की रस्सियाँ बंधी हुई हैं.
और बाबा चाहता है मेरे बच्चे इससे मुक्त हो जाए। कोई अपना नहीं है, कोई का आधार नहीं लेना। सहयोग दो, सहयोग लो, लेकिन अधीन नहीं बनाना। व्यक्ति को अधीनता परेशान कर रही है, अधीन नहीं रहना है। इसलिए संबंधों को चेक करो, कोई भी लौकिक या अलौकिक, कोई कितना भी स्नेही है, सहयोगी है, विशेष है, कोई भी मुझ आत्मा को बांधे नहीं। बांधती हैं एक तरफ विशेषताएं और एक तरफ किसी से नफरत, दोनों चीज़ें व्यक्ति को अपने बंधन में बांध लेती हैं। और हम सबको बाबा कहता बच्चे बंधन मुक्त बन जाओ। तो देखना अपने आप को, बहुत अंदर से चेक करना, क्योंकि जब योग में बैठते हैं ना तो जहाँ बंधे हुआ सूक्ष्म रस्सी कोई बंधी है बाबा की बजाय, उधर बुद्धि भाग जाएगी, उधर ही चली जाएगी। एक घंटे में 5 मिनट भी बाबा कहता मुझे बच्चे सच्चे दिल से याद नहीं करते, बैठे एक घंटा और याद 5 मिनट नहीं करें तो कहीं तो होंगे, कोई बंधन तो उनको खींच रहा होगा अपनी तरफ। बहुत महीनता से, गहराई से चेक करो, और चेक करके लगता है बंधन है तो बहुत दृढ़ता के साथ, संकल्प की दृढ़ता के साथ उसको कट करो। कोई मेरा नहीं, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। सर्व संबंधों की रचना, सर्व संबंधों का प्यार बाबा देने के लिए बंधा हुआ है। कहता सच्चे दिल से तुम उस संबंध से मुझे याद करके देखो। एक दिन मैं एक जगह गया था, गाड़ी में जा रहा था तो अचानक ब्रह्मा कुमारीज का बोर्ड देखा, सेंटर है, मुझे पता नहीं था। यहाँ पर ऐसे राउंड लगाते गाड़ी में कोई भाई मुझे शहर के अंदर घुमा रहा था, तो मैंने ऐसे देखा यहाँ कोई सेंटर लगता है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का बोर्ड देखा, तो मैंने कहा गाड़ी वाले से थोड़ा रोको। कहता क्यों? हमने कहा यहाँ आश्रम है क्या? बोले हाँ अपना बाबा का घर है, मुझे देखना है क्या है यहाँ पर। तो मैं उतर गया, कुछ नहीं बोला किसी को, और उतर करके सीधा ही सीढ़ियाँ थी, मैं चढ़ के ऊपर पहुँच गया। और अकेली बहन थी, कोई नहीं था, एक अकेली रहती थी। उसने ऐसे नीचे से ऊपर तक देखा, पहचान तो गई मधुबन के भाई आए। तो मैंने कहा मैं देखने आया हूँ ऐसे, कहाँ रहती बहनें, क्या है व्यवस्था। तो मैं ऐसे थोड़ा चक्कर लगाया, कहती है भाई जी आप अपने मन से थोड़ी आए हो। हमने क्यों अपने मन से नहीं आए, तो आपके निमंत्रण पर आए हैं क्या? बोली नहीं नहीं मेरे निमंत्रण पर नहीं आए हो, बाबा ने आपको यहाँ भेजा है। क्या क्यों भेजा बाबा ने मुझे? कहती देखो मेरा पत्र, बाबा को अभी अभी मैंने कमरे में पत्र लिखा है, और जो लिखा है उसका रिजल्ट मैं अभी देख रही हूँ। क्या लिखा है? उसने पत्र दिखाया मुझे, आधा घंटा पहले लिखा होगा कि बाबा तेरी ये भंडारी बहुत भर गई है, मैं कैसे मधुबन में भेजूँ, कोई मधुबन वाले के तू भेज दे। और ये भंडारी लेके जाए। इतने सच्चे दिल से उसने लिखा था पत्र। तो हमने कहा और क्या लिखती हो तुम, और पत्र दिखाओ मुझे। पूरी डायरी लिखी हुई थी, रोज कोई न कोई नया अनुभव। ऐसे ही बाबा से रूह रिहान कर सच्चे दिल से बाबा के आगे बैठ के पत्र लिखती। तो मैं जब गया तो उसने पत्र दिखाया, हमने कहा शायद धीरे बाबा ने मेरी गाड़ी वहाँ रुकवाई होगी, मुझे क्या पता है। और सचमुच उसने 10-15 मिनट ही वहाँ रहा, सारी जितनी भंडारी थी मुझे पैक करके दे दिया, ले जाओ मधुबन दे दे राजा, बाबा ने आपको इसलिए भेजा है। तो ऐसे सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है, इस पर प्रभु पसंद है। तो हम सब बाबा के बच्चे देखें कि कोई भी प्रकार से आत्मा एकदम इतनी इनोसेंट, इतनी सच्ची हो, बंधन नहीं है, संबंध है, बाबा से सच्चे दिल के संबंध है। और बाबा से जिसने जिस संबंध से बहुत सच्चाई से बातें की है, रूह रिहान की है, चाहे वो माता पिता के रूप में, चाहे सखा साधन के रूप में, चाहे साथी के रूप में, चाहे सतगुरु के रूप में, चाहे सर्जन के रूप में, बाबा हाजिर हो जाता है, मदद कर देता है, सहयोग दे देता है। कईयों की तो बीमारी ठीक हो जाती है ऐसे सच्चे दिल से कहने से, दवाई मिल जाती है। तो हम सब बाबा के बच्चे सर्व संबंधों से अगर एक बाबा को सहारा बना लेंगे तो ये जो लौकिक संबंध तेरे मेरे के संबंध बंधे हुए हैं उनसे बुद्धि टूट जाएगी। इसलिए देखना ये बंधन मुझ आत्मा को बांधता तो नहीं है। और चौथा बंधन है अपनी विशेषताओं का बंधन।
साधनों का बंधन, साधनों के अंदर हम बंध गए हैं। इस साधन के बिना ये काम कैसे चलेगा। उस दिन बाबा ने कहा ज्ञान के साधन भी नहीं चाहिए। हमसे प्रश्न किसी ने पूछा ज्ञान के साधन क्या है, हमने ज्ञान के साधन तो हमने सब बनाए हैं, ज्ञान देने के प्रदर्शनी बनाई, प्रोजेक्टर बनाए, ये किया, मेले निकाले, ये सब ज्ञान के साधन हैं। योग में ज्ञान के साधनों की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम किसी भी साधन के अधीन न हो जाएं, साधना में ये साधन विघ्न रूप न बन जाएं। हैं तो यूज करो, कौन कहता नहीं यूज करो, अच्छी तरह से यूज करो। बाबा ने कहा ये सब साधन तुम्हारे लिए हैं, लेकिन अधीनता नहीं चाहिए, बंधन नहीं चाहिए। हैं यूज कर रहे, नहीं होंगे तो न्यारे हैं, ऐसी स्थिति चाहिए। तो हम कहाँ तक इन साधनों से के बंधन से मुक्त हैं। मेरी विशेषता है मुझे यही सेवा चाहिए, मैं ये कर सकती हूँ। कईयों को ये बहुत बंधन है कि मेरे को अच्छा लेक्चर करना आता है, अच्छा क्लास कराना, अच्छा कोर्स कराना आता है, कम से कम ये चांस मिलेगा तो मैं बहुत अच्छी तरह से सेवा कर सकती हूँ। कर्मणा सेवा कह दो तो कहेंगे मेरे को ये नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता। बाबा कहता बच्चे जो सेवा है, यज्ञ सेवा है, बड़े प्यार से करो, दिल से करो, तन से करो, मन से करो, धन से करो, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी सेवा मिलती है दिल से करो। तो स्व का सर्टिफिकेट लेने के लिए मेरा अपना ये विचार चल रहा था कि अगर ये सब बंधन बोझ संबंधों के, शरीर के, मन के, साधनों के, इनसे आत्मा अगर मुक्त है तो हम कह सकते हैं हम अपने को पसंद करते हैं, हम स्वपसंद हैं। और परिवार को तो आप जानते हो, परिवार की डिमांड बड़ी होती हैं, और अगर वो डिमांड्स नहीं पूरी होती हैं तो खटखट शुरू हो जाती है, संतुष्टता खत्म हो जाती है, अरे कहाँ से इसके साथ संबंध हो गया। परिवार से सर्टिफिकेट लेना बहुत बड़ी बात है। और बाबा हमेशा अपने को छुड़ा लेता है, कहता है परिवार का ही सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि 84 जन्म तो तुम इन्हीं के साथ रहने वाले हो, मेरे तो मैं तो चला जाऊंगा घर में। तो जिनके साथ तुमको पार्ट बजाना है, हिसाब किताब है, रहना है, संबंध निभाने हैं, सेवाएं करनी हैं, उनके संस्कारों को समझ के चलो, उनको पहचानो, उनको क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। कोई महिमा सुनना चाहता है, अपना नाम मान सान चाहता है, कोई चाहना उसकी है। अब जिस प्रकार की चाहना है, अगर आप उसको थोड़ा सा उसमें सहयोग दे दोगे तो संतुष्ट रहेगा। एक दिन की बात सुनाता हूँ, इसी स्थान पर दादी जी से बाबा मिल रहे थे, अव्यक्त बाबा आए थे, दादी सामने बैठी थी, बड़ी दादी, और मैं यहीं बैठ के लिखता था, पूरी रात लिखता था। बाबा बैठे हैं, दादी से अचानक पूछ बैठे, बच्ची तुमसे मधुबन वाले सब संतुष्ट हैं, कोई कंप्लेन गई होगी, कुछ बात तो जाती ना बाबा के पास। अच्छा, पूरा परिवार, जितने सेंटर्स की बहनें सब संतुष्ट हैं। अब दादी कुछ नहीं बोले, ऐसे बाबा को देख रही है। बाबा ने एक बार नहीं, कम से कम 4 बार 5 बार पूछ लिया दादी से, और ऐसे पूछा, दादी तुमसे सब संतुष्ट हैं। अब दादी कहे पता नहीं बाबा को मेरी कोई कंप्लेन गई होगी, बाबा मैं कैसे बोलूँ मेरे से सब संतुष्ट है, ये सर्टिफिकेट तो आप दोगे ना, आप दो मुझे सर्टिफिकेट संतुष्ट है या नहीं। क्योंकि जो निमित्त होते हैं, जो बड़े होते हैं, अगर फैसला एक की तरफ हो गया तो दूसरा नाराज होना ही है, और अगर दोनों की तरफ किया जाएगा तो दोनों कैसे साथ हो सकता है। और आजकल क्या खिटपिट चल रही है, इस बारी इतना खिटपिट हुई है, हमने कहा भाई ये वार्षिक मीटिंग तुम लोगों ने क्या रख दी, दिमाग मेरा खराब हो रहा है। कहते क्या हो रहा है, हमने कहा इतना मेरे को मीटिंग में जाना, मेरे, अरे क्या करोगे मीटिंग में, 1800 लोग पहले बैठे, उनके बैठने का स्थान नहीं, मेरा नाम डालो, मेरा नाम डालो, मेरा नाम डालो, नहीं डालो तो जोन इंचार्ज से डिस्टर्ब, बड़ों से डिस्टर्ब, अपने टीचर से डिस्टर्ब। हमने कहा ये क्या, ये मीटिंग माया हो गई है क्या, सच बता रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ मैं, आज की, अभी तक भी वही समाचार, सुबह सुबह 5 बजे फ़ोन आ गया, फलानी नाराज है, फलानी नाराज हो रही। हमने कहा ये संतुष्टता कब आएगी ब्राह्मणों के अंदर, बाबा ने इतना सब दिया है, इतना सजाया है, इतना ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का खजाना दिया है, लेकिन आत्माओं को संतुष्ट करना बहुत बड़ी बात है। परिवार को बाबा कहता है इनसे सर्टिफिकेट ले लो कि सब संतुष्ट हैं, सर्टिफिकेट लेना परिवार में सहज है क्या,
दादियों ने बहुत सहन किया होगा। हमने एक बहन को आज हंसी में ही बोल दिया, सवेरे से 5 बजे मेरे फ़ोन किया, हमने कहा जोन इंचार्ज बनने का मज़ा आ गया, जोन इंचार्ज बनेंगे। कहती है भाई जी मुझे नहीं पता था, ये सारी टीचर्स मेरे से नाराज हो रही। हमने कहा यही तो है, बड़ा बनना बड़ा दुख पाना, छोटे बनना अच्छा है। अब बड़ों से इतनी जल्दी संतुष्ट हो जाएं सब, बहुत बड़ी बात है। हाँ ठीक है, उनको आगे बढ़ा दो तो दूसरी जल जाएगी, एक को आगे बढ़ाओगे दूसरे क्या, इसी को सब पूछा जाता है, इसी को सब चांस दिए जाते हैं, मेरे को नहीं मिलता। एक को कोई ने एक महिमा कर दी, एक भाई की कोई विशेषता सुना दी तो दादी कहती थी नज़र न लग जाए, बड़े प्यार से कहती थी नज़र न लग जाए। मैंने तो उसकी विशेषता सुनाई क्लास में, अब उसे सब ईर्ष्या करना शुरू कर देंगे। हाँ मुझे पता है कुछ दे दिया होगा उसको। तो ध्यान देना, ये बहुत बड़ी माया है। लेकिन परिवार में झुकना मरना सहना, जहाँ रहना है वहाँ सहना है, कुछ भी हो जाए हमारी संतुष्टता गायब ना हो। परिवार का सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब हम एक दूसरे को दिल का प्यार और रिगार्ड देंगे, दिल से रिगार्ड दो। तो दादी ने जब ये बात कही ना, बाबा आप सर्टिफिकेट दोगे मैं कैसे दूँ, तो बाबा बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए बोले बच्ची 95% बाबा आपको ये सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन 5% जो है ना वो अपनी आदतों के कारण, अपने संस्कारों के कारण असंतुष्ट है। ये भी बता दिया है असंतुष्ट, ऐसे नहीं सब संतुष्ट हैं, लेकिन जो असंतुष्ट है उसमें आपका दोष नहीं है। आप तो अपनी तरफ से उनको संतुष्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन जिसकी जवाबदारियां होती हैं वो दोनों तरफ का निर्णय तो नहीं ले सकता, उसको एक तरफ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए कोई संतुष्ट हो जाएगा कोई संतुष्ट हो जाएगा, इसलिए इसकी परवाह नहीं करनी, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करो। वो आत्मा आएगा समय जो महसूस करेगी इन बड़ों का दोष नहीं है, वो मेरी ही आदत थी, मेरे मैं अपने कारण से असंतुष्ट हूँ, इनके कारण से नहीं। तो हम सब बाबा के बच्चे इस परिवार के अंदर, दैवी परिवार के अंदर सिर्फ 2 मंत्र पक्के कर लें। एक, हर आत्मा कुछ न कुछ विशेषता लेकर के परिवार में आई है, कैसी भी हो कोई न कोई विशेषता उसके अंदर है, तब भगवान की इस महफिल में इस परिवार में वो जुड़ी है, ऐसे नहीं आ गई। कोई के अंदर हिम्मत है, उमंग है, उत्साह है, दृढ़ता है, सफल करने की विधि है, सफल कराने की है, सेवा कराने की भी है। कोई के अंदर अपने संकल्पों में पावर है, पवित्रता है, कई प्रकार से वो आत्मा अपनी विशेषता लेकर के घर में आई है। अगर हमारे पास बाबा ने जो चश्मा दिया है विशेषता देखने का, सबको ये चश्मा पड़ा रहे, विशेषता देखोगे तो विशेषताएं अपने आप उस आत्मा को समीप लाएंगी और वो समीपता के आधार से स्नेही बनेगी, सहयोगी बनेगी और धीरे धीरे वो संतुष्ट हो जाएगी। दूसरी बात है, बाबा कहते हैं बच्चे निमित्त और निर्माण, ये जो भी कार्य हैं, जो भी सेवाएं हैं, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, भगवान ने हमें निमित्त बनाया है, कराने वाला वो है। मुझे कितनी भी कोई बातें करे, मैं अपनी लाइफ को अगर देखता हूँ सच्चे दिल से, तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ एक ही मंत्र दादियों के सामने मैंने कभी ना नहीं किया, हाँ जी हाँ जी, जो कहा है मैंने हाँ किया है, और उसके कारण इस सीट पर शायद मैं आया हूँ। बाकी कोई योग्यताएं, कोई लौकिक पढ़ाई, कोई डिग्री, कोई दुनिया का अनुभव मेरे पास नहीं है। 15 साल की उम्र में आ गया, समर्पित हो गया 16 साल में, बाहर की नॉलेज नहीं है, बाहर की किताबों का ज्ञान नहीं है, कहानियां किताबें क्या होती हैं मैंने पढ़ी नहीं है, केवल मुरली पढ़ी है जो सुना रहा हूँ आपको, केवल मुरली के सिवाय और कोई अध्ययन नहीं है मेरे पास। लेकिन ये सब कराने वाला खुद करा रहा है। ये बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं कि अगर कोई भी संकल्प पहले उठता है, संकल्प जरूर उठता है, लेकिन बाबा की याद में ऐसे कंप्यूटर पर अगर बैठ जाऊं तो जो ब्राह्मणों को चाहिए 10 लाख ब्राह्मणों की उन्नति के लिए बाबा लिखाता है, पत्र लिखाता है,
पॉइंट्स लिखाता है, चिंतन देता है, वरदान देता है, और मैं बहुत निहारे होकर के बिल्कुल सब संकल्पों को समेट के ऐसे बैठता हूँ, बाबा जो आपको कराना है, आपके बच्चे हैं, आपको पढ़ाना है, आपको पालना करनी है, अभी कोई मुझे डायरेक्शन देने वाला नहीं रहा, दादी जी थी तब तक तो कुछ न कुछ डायरेक्शन मिलते थे, ये भेजो, ये करो, ये करो, ये करो, आज 15 साल 20 साल होने वाले हैं, कोई कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, लेकिन कराने वाला बाबा ऊपर बैठा है, वो करा रहा है, और मेरा केवल एक ध्यान रहता है, मैं अपने बुद्धि को बहुत क्लीन रखूं, बस क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, मुझे कुछ भी पता नहीं है, और मैं जाता भी नहीं, बाबा ने मुझे फ्री रखा उसे, जो अपनी सेवाएं हैं, अपना डिपार्टमेंट है, उसमें कोई कमी न रहे, उस पर ध्यान रहता है, बाकी सब बाबा के बच्चे होशियार हैं, समझदार हैं, अपनी अपनी समझ के अनुसार सब अच्छा कर रहे हैं, मुझे कोई की करेक्शन नहीं करनी है। अगर कोई को कंप्लीट बनना है तो कंप्लेन नहीं है और कोई करेक्शन नहीं है, इसलिए निमित्त हूँ, बाबा ने निमित्त बनाया है, और नम्रता का कवच पहन के रहना है, कहीं भी अहंकार ना आ जाए, सम्मान में रहना है, सबको सम्मान देना है, नम्र चित्त और निर्माण बन करके रहना है। अगर ये सब धारणाएं हमारे जीवन के अंदर आ जाएंगी तो हम कहेंगे बाबा को हम पसंद हैं, हम सब पसंद हैं, प्रभु पसंद हैं, और परिवार भी इन्हीं विशेषताओं के आधार से हमें पसंद कर लेगा, और हम पूरे कल्प में एक साथ पाठ बजाएंगे। ठीक है, तो इन धारणाओं को जो बाबा ने ही दी हैं, इनको अपने जीवन में लाना और अपने जीवन को ऐसा बना करके बाबा को प्रत्यक्ष करना। ओम शांति। तीन मिनट के लिए सब विदेही स्थिति में, अशरीरी स्थिति में बैठो, इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, एक लाइट और माइट का पुंज हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे हूँ, उन शक्तियों का अनुभव करो। तीन सर्टिफिकेट, स्वपसंद, प्रभु पसंद, परिवार पसंद, कैसे प्राप्त करें सुंदर मार्ग।